अच्छा बेटा, दूसरा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अकाउंटिंग का मतलब, अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। विच इज़ ट्रू ऑफ अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, कौन सी बात सही है। एनी वन विद अ कंप्यूटर कैन गेन एक्सेस टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसका ये मतलब नहीं है भाई अगर हमारे कंप्यूटराइज अकाउंट है तो हर एरा गैरा नथू खैरा हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स चेक कर सकता है, ये बात गलत है। डेटा इनपुट कैन ओनली बी यूज फॉर वन स्पेसिफिक पर्पस। यार देखो यहाँ पे एक हिंट है, एक है एनी वन, कोई भी, सही है ना, एक है ओनली, डेटा इनपुट सिर्फ एक ही तरीके से यूज़ हो सकता है। तो ये जितने भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं ना, जैसे ओनली, नेवर, ऑलवेज, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, गलत। एनी वन, कोई भी, कोई नहीं, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, गलत, सही है ना। इसका मतलब जो इनपुट है वो सिर्फ एक काम के लिए यूज़ नहीं हो सकता, आप जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में उससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं, बहुत अलग अलग किस्म की इससे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। डेटा आउटपुट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर ओनली, अगेन, क्या सबको प्रोग्रामर होना ज़रूरी है? अगर एक कंपनी के 100,000 शेयर होल्डर हैं और जो सब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं वो क्या सारे प्रोग्रामर होंगे? नहीं। ऑपरेटर एरर मे रिजल्ट इन एन एरर, अब देखो मे जो है वो थोड़ा सा वर्ड ऐसा है कि उस पर आप रिलाय कर सकते हैं, मे, सही। एनी वन, ओनली, नेवर, ये ज़्यादातर गलत होता है, ऑलवेज, हमेशा नहीं कह रहा मैं, ज़्यादातर गलत है। तो आंसर क्या है?